हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राधिका केळकर. आई एम अ साइकैट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट. आई ऑल्सो प्रैक्टिस एज अ चाइल्ड साइकैट्रिस्ट. तो इस वीडियो में मैं आपको बच्चों के बारे में कुछ बताने वाली हूँ. हम सब देखते हैं कि बच्चों से डील करते वक्त, हमारे बच्चों से डील करते वक्त हमें हमेशा एक अपेक्षा होती है कि बच्चों ने अच्छा बिहेव करना, उनकी अगर कोई गलती हुई तो उन्होंने अपोलोजाइज करना, सॉरी बोलना, दूसरों को सॉरी बोलना अगर कोई गलती हुई, अगर हमारे बीच कुछ हो गया और उन्होंने कुछ गलती करी तो उन्होंने सॉरी बोलना चाहिए, ऐसी पेरेंट्स की अपेक्षा होती है. तो ये कभी होता है कभी नहीं होता है. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये बिहेवियर आपके बच्चे में आ सकता है और क्या करके ये जो सॉरी बोलने की आदत है या फिर अपनी मिस्टेक एडमिट करने की आदत है कैसे आपके बच्चे में आ सकती है, इसके बारे में हम बात करने वाले. तो होता ऐसा है कि कोई भी रिलेशनशिप में दोनों साइड से गलतियां हो सकती है. हम सब गलतियां करते हैं कभी ना कभी, पर गलतियां करने से ज़्यादा माफ़ी मांगना और माफ़ करना ये ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी रिलेशनशिप में. तो बच्चे भी गलती करते हैं और कभी कभी बड़े भी गलती करते हैं. तो ऐसी एक समझ है कि यूजुअली जो बड़े होते हैं उनको एडमिट करने में कभी कभी शर्म आती है या फिर ऐसा लगता है कि मैं अगर एडमिट कर दूँ तो शायद से मेरा जो वर्चस्व है इस रिलेशनशिप में वो मेरा नहीं रहेगा. और बच्चों के सामने कैसे एडमिट करना अपनी गलती, कभी कभी हिचकिचाहट होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करेंगे तो भी बच्चे को समझेगा नहीं. तो ऐसा यूजुअली होता नहीं है. बच्चे हमसे हमदम सीखते रहते हैं, देख के हमें वो सीखते रहते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे बिहेव करते हैं वो फीड होता रहता है. तो अगर कोई बच्चा रेगुलर बेसिस पे ऐसा देख रहा है कि उसके जो आसपास के जो अडल्ट्स हैं वो गलतियां करते हैं पर एडमिट नहीं करते, कभी कभी बोलते नहीं कि हाँ भाई हमारे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, अगर ये उसको नहीं दिखाई देता कभी, तो वो सबकॉन्शियसली ऐसे सीखता है कि गलती करने के बाद एडमिट करना ज़रूरी नहीं है या फिर एडमिट नहीं करना चाहिए. दिस इज़ द वे टू लिव, दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, ये वो सीखता है अनकॉन्शियसली. अगर आप बोल भी रहे हैं उसे कि आपने सॉरी बोलना चाहिए पर आप अगर खुद आपकी गलतियाँ एडमिट नहीं कर रहे तो वो वही सीखेगा कि एडमिट नहीं करना चाहिए. ऐसा कई बार होता है, मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि ऐसा होता है कि आप कभी जल्दी में होते हैं, कभी बच्चे मस्ती करते होते हैं और अगर आपको गुस्सा आ जाता है और आप उन पे चिल्ला देते हैं बिना कारण का, या फिर जहाँ पे आप उनकी कोई गलती नहीं होती तभी उनको डांट देते हैं कभी कभी, और ये आपकी तरफ से एक गलती की तरह है कि आपने गलती करी है. किसी को बेवजह डांटना या फिर बेवजह कुछ बोलना ये गलती जैसा ही है. तो अगर आपने वो किया और आपको वो समझ में भी आया कि मैंने गलत किया पर आपने वो एडमिट नहीं किया तो तभी तो वो कुछ आपको बोलेंगे नहीं, पर ये वो ऑटोमेटिकली सीखेंगे कि गलती करके छोड़ देना होता है. तो ये अगर हम कुछ चेंज करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ अगर हुआ, आपसे कोई गलती हुई ऐसा आपको लग रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका देख के आपको वो एडमिट करना चाहिए कि ओके फाइन, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने आप पे चिल्ला दिया बिना मतलब का, तो आई एम रियली सॉरी. और इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि यू कैन डू अ स्मॉल रोल प्ले. ये हम फिर से करके देखेंगे कि ये जो सिचुएशन थी हम एक वापस से खेल के स्वरूप में हम खेलेंगे. आप जो कर रहे थे आप करो, मैं जो कर रही थी मैं वो करूंगी और फिर मैं आपसे अच्छे से बात करूंगी, मैंने वो जो गलती की वो मैं दोहराऊंगी नहीं. ये एक छोटा सा रोल पे अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट बेसिकली यू शुड अपोलोजाइज, बेसिकली आपने वो गलती माननी चाहिए उस तरह. तो एक रिलीफ हो जाएगा आपको, जो बर्डन है कि मैंने गलती करी, मैंने बिना मतलब चिल्लाया अपने बच्चे पे, ये आपको जो गिल्ट होगा या फिर बर्डन होगा ये आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि बच्चे भी सीखेंगे और आप भी सीखेंगे कि कोई भी सिचुएशन में अगर कुछ गलती हुई तो उस गलती से कैसे सीखना है और आगे कैसे बढ़ना है. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग है ऑफ लाइफ और ये डे टू डे बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली ये चीज़ सीखेंगे, उनको अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आप ये प्रैक्टिस करिए, अगर मैं भी करती हूँ, इवन आई अप्लाई इट विथ माई किड्स, तो ये भी आप अप्लाई करिए और उसका आपको रियलाइज़ होगा कि चेंजेस आएंगे और एक रिलेशनशिप में बदलाव आएगा. आपका जो स्ट्रगल है बच्चे के साथ अगर हो रहा है बार बार तो वो कम हो जाएगा, रिलैक्स रहेंगे आप दोनों और खुश रहेंगे और काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा
और जो बर्डन है वो निकल जाएगा। तो आप ये जरूर प्रैक्टिस करिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।